ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी भैया, अरे आ गए आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने एकदम परफेक्ट गेम सोच के रखा है, और बच्चों तुम लोग खेलोगे ना तो एकदम मजा आएगा। आर्यन जी, मैडम जी, ये तो मेरा फोटो है। कांटे के सामान में रखा था तुमने। मैडम जी, मैं क्यों रखूंगा? और रखूंगा तो तब ना जब मेरे खुद के पास होगी। मैंने तो जिंदगी में अपनी कोई फोटो प्रिंट नहीं कराई। पता नहीं ये सच कह रहा है या झूठ, पर अगर फोटो ये नहीं लाया तो कौन लाया, और उसने कार्तिक के सामान में क्यों रखी? देखो, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कार्तिक नाराज हो। उनके सामान में पेपर्स की बजाय ये मिली हूँ। जल्दी चलो ना, प्लीज चलो 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 चलो, बहुत लेट हो रहा है। ये फोटो तो मेरे फोन में थी। रात को पापा को कॉल करूंगा और पूछूंगा कि उन्होंने किसी को दी तो नहीं, और अगर दी भी तो ये फोटो यहाँ कैसे आई? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं उदयपुर में हूँ। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कभी झूठ बोला है? वो भी आपसे, बताओ आप। पर बेटा, तू ऐसा क्या काम कर रहा है कि तू इतने दिनों से घर ही नहीं आया और एक जगह पे टिकता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ? पापा, मैंने आपको बोला ना, मैं एक बहुत अच्छे जुगाड़ में लगा हूँ। आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। और आप ये फालतू लोगों की बातों में मत आओ। मतलब कोई भी आपको कहेगा कि मैं उदयपुर में हूँ तो आप उसकी बात मानकर यहाँ आ जाओगे? मतलब आप एक बार मुझसे बात तो करो, एक बार मुझे फोन तो करो। बेटा, बहुत याद आती है तेरे। पापा, वो तो मुझे भी आते हैं, पर क्या करें, काम धंधा भी तो जरूरी है ना। आप ये सब बातें छोड़ो, आप घर जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मिलने। हाँ बेटा, बस मैं बस अड्डे पे ही हूँ। हाँ पापा, संभल के जाना। और आप सुनिए, वो जो मेरी फोटो थी जो मैंने घर पे खिंचवाई थी, वो आपने मतलब किसी को कहीं? बेटा, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, कोई मिल गया है। बाप रे, अगर आज झूठ नहीं बोलता ना तो पापा तो पकड़ के घर ले जाते मुझे। इतनी मुश्किल से सही जगह पहुंचा हूं, ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कितने समय बाद देख रहा हूं मैं तुझे। हाँ पर भैया, आप यहाँ कैसे? आपका पार्सल मुझे मिल गया था, मैंने मैसेज भी कर दिया था आपको। आपका अचानक से बुरा है, मैं डर गई, आपने कुछ कहा भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा। प्लीज भैया, उसके बारे में कुछ मत कहिए, सुन के रहा नहीं जाएगा मुझसे। और जो इतने सालों तक सबर रखा मैंने, वो टूट जाएगा, जो मैं तोड़ना नहीं चाहती। कमाल है तू अर्पिता, अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को दूर कर दिया, और उसमें भी तू। प्लीज भैया, कुछ मत कहिए, आपको फक्र महसूस होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मैं अपने आप को अपराधी महसूस करती हूँ। जैसे तैसे अपने मन को समझा लेती, सिर्फ इसलिए उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछती आपसे, इसलिए उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं बनाया, उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, ना ना बुआ का और ना माँ का। ये तो पापा हैं, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये बस में बैठ चुके हैं और घर जा रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने बोला था कि कोई इन्हें मिल गया है और ये मुझसे बाद में बात करेंगे, लेकिन मिला कौन है? जी मैं, कहाँ चला गया?
फोन भी नॉट रीचेबल है। ये क्या कर क्या रहा है यहाँ? और ऐसे इसे यहाँ वहाँ देख कैसे रहा है? क्या कर रहे हो आर्यन? और वहां कार छोड़ के यहाँ इस तरह? सॉरी मैडम जी, वो ऐसे ही। क्या हुआ? कौन है वहां? किसे ढूंढ रहे हो? आर्यन देखो सच सच बता, चल क्या रहा है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं चल रहा, वो ऐसे ही ऐसे सब ठीक है, सच में कुछ नहीं। तो चलो फिर। कार्तिक बिल्कुल ठीक ही कहता है, ये लड़का थोड़ा अजीब तो है, वो फोटो भी पक्का इसी ने भेजी होगी। हम क्या लाए हैं? घर की लक्ष्मियों के लिए ये हमारे खानदानी कंगन है। सात धातुओं से बनाए जाते हैं और उनपे छोटे छोटे 11 श्रीयंत्र हैं। घर की नई बहू को पहली दिवाली पे दिए जाते हैं। स्वर्णा, सुरेखा, स्पेशलिटी है वो शायद माँ जी बताना भूल गई कि ये जो डिजाइन है ये बहुत ही यूनिक है, जो कि सिर्फ गोयनका के पास है, किसी और के पास नहीं। क्या देख रहे हो घूर घूर के? Behave yourself। नहीं सर कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैडम ने बोला था ना कि ये कंगन बहुत स्पेशल है और सेम डिजाइन के कंगन और कहीं नहीं मिलते, तो मैं थोड़ा चकरा गया क्योंकि मैंने तो ऐसा सेम टू सेम कंगन देखा है। हाँ, मेरे बचपन की फोटो में मैं मेरी माँ के गोद में बैठा था और माँ ने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कंगन पहना था। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है लड़के, या फिर तुम्हारी आंखें। ये हमारे खानदानी कंगन है, उन्हें किसी और को हम छूने भी नहीं देते। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने सच में ऐसा देखा था सेम। हो सकता है किसी ने इस डिजाइन से मिलता जुलता कुछ बना लिया हो। माँ आपको याद नहीं कुछ टाइम पहले मीडिया ने हमारा कलेक्शन कवर किया था तो उसमें इसकी तस्वीर थी। एनीवेज तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। लाओ इधर दिखाओ। लव कुश दिखाओ। शिव, किसने लाकर दी तुम्हें? बेटा ब्रैकेट्स के लिए मना किया था ना, बताया था ना कि कितने खतरनाक है सबके लिए, फिर क्यों लाए आप? तुम लोग हम लोग से चुपके ये पटाखे जलाने वाले थे। हाँ इधर लाओ। पहले बताओ ये आए कहाँ से? इतने खतरनाक पटाखे इस घर पे कौन लाया बताओ? लवकुश बोलो जल्दी। वो आर्यन ने। आर्यन? मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बच्चों को इतने खतरनाक पटाखे दिलाने की? अरे बड़े भैया मैंने नहीं, मैं तो वहाँ अपना। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं आर्यन, सब समझता हूँ तुम्हारी हरकत में, इसलिए तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाते। बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो ना अपने आपको, और हम सब तो यहाँ बेवकूफ हैं, हम नहीं दिला सकते उन्हें पटाखे। बड़ों को तो इम्प्रेस कर नहीं सके इसलिए बच्चों को बरगल ला रहे हो ताकि वो तुम्हारी साइड लें। अगर ये पटाखे जलाने में नहीं लग जाता, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उस बात का? हद करते हो तुम, उंगली क्या पकड़ा है तुम तो गला पकड़ने लग गए। देखो जिसे देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है। अरे इंसान हूं, कोई फुटबॉल नहीं हूं, जो भी आता है किक मार देता है। अरे खुद के बच्चे झूठ बोल रहे हैं वो कोई नहीं देखता, सब चढ़ जाते हैं मुझ पे। और ये बड़े भैया ये समझते क्या हैं अपने आप, मुझे देखते ही एंग्री यंग मैन बन जाते हैं। अरे बड़े भैया अभी आपने मेरी विलनगिरी देखी नहीं है, बस एक बार मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब कुछ घूम जाएगा, याद रखना ये बात। चाची कहाँ हैं? उन्हें कहती हूँ कि अपने डिजाइनर फ्रेंड से कहे कि मेरे बर्थडे के लिए। सुनिए चाची कहाँ है? मैडम तो बाहर गई। कोई भी नहीं है। सुनना मैडम है, क्या कर रहे हो ये?
अरे कुरियर है हमारा, गाँव भेजना है तो खुद से भेजो ना, ये घर का कुरियर है। अरे तो क्या हो जाएगा अगर साथ चला जाएगा तो? ऐसे कैसे चला जाएगा? हाँ रखो इसको भेजो। मैं भिजवा दूंगी, चला जाएगा। थैंक यू मैडम जी। वैसे मैडम मुझे एक बात और बोलनी थी, मैं सच कह रहा हूँ आप मेरा विश्वास मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं क्यों सारे बड़े साहब मुझे गलत समझते हैं, मुझसे नाराज रहते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी फोटो बड़े भैया के बैग में कहाँ से, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। आप प्लीज़ एक बार बड़े भैया से बात कीजिए ना, उन्हें समझाइए, नहीं तो वो हमें इस नौकरी से निकाल देंगे। एंड आप समझिए हमें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है मैडम जी, प्लीज़। थैंक यू। जिसे कुरियर भेजना उनके नाम पे टेप लगा दिया। अब सुनिए जी मैडम, आर्यन से कहिए इसमें अपने पापा का नाम फिर से लिखे और गोपाल भैया से कहिए इसे बाकी सभी कुरियर्स के साथ भिजवा दीजिए। अब भैया मैं वो कागज भेज रही हूँ आपको, फिर आप अपना प्लॉट वापस ले सकते हैं। मैंने वकील से बात कर ली थी। देख तू ये तो नहीं सोच रही है ना कि ये सब मैं अपने लिए? भैया प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा तो जो है वो सब तेरे बेटे के लिए। प्लीज, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उसे मेरा बेटा मत कहिए। अब वो आपका बेटा है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा और वो है कार्तिक। मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है?